मृदु और स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न बाय मृदु में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी कि मैंने उसमें आपको नाउंस के बारे में बताया था, और उसमें मैंने टू नाउंस को कवर करे थे, एक था प्रॉपर नाउन और एक था कॉमन नाउन। तो आज की इस वीडियो में मैं नाउंस फिर से आपके साथ लेके आई हूँ पार्ट टू, और इसमें मैं आपको कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको के साथ कलेक्टिव नाउन शेयर करती हूँ कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? इट इज अ वर्ड दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन हम उसे बोलते हैं कि जैसे कि एक वर्ड हम ना ग्रुप को एक नेम दे देते हैं, ग्रुप को एक नेम दे देते हैं, या पीपल की ग्रुप हो सकता है, वो एनिमल का हो सकता है, वो थिंग का हो सकता है। और हम जैसे बोलते हैं व्हाट डू यू कॉल अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, अगर मैं बोलूँ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ सीव्स, ग्रुप ऑफ काउस, ग्रुप ऑफ ज़ेब्रास, ट्रीज ग्रुप ऑफ, तो ग्रुप 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 करके अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार क्या ग्रुप बोल रही है दे दे। ठीक है, तो ये अच्छा लगे इसलिए, अच्छा ना लगे इसलिए हम कलेक्टिव नाउन दे देते हैं, ग्रुप को नाम देते हैं और उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो और अगर आपको पता है कि वर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर से बताइएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन मैं बताती हूँ कि जैसे कि हम बार बार ग्रुप्स को नाम बोलें इसलिए हम कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ करते हैं। तो अब पहला हम जैसे बोल सकते हैं फ्लावर्स के ग्रुप को हम बोल सकते हैं आप बुके ऑफ फ्लावर्स। आप कहते हैं ना भैया मुझे एक बुके दे दीजिए फ्लावर्स का, जब आपको ग्रुप चाहिए होता है फ्लावर्स का, तो आप बोलते हैं आप बुके ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के लिए हम आप बुके ऑफ फ्लावर्स, ऐसी स्टिक्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आप बंडल ऑफ स्टिक्स, ऐसे बनानास के ग्रुप के लिए हम कर सकते हैं आप बंच ऑफ बनानास, ऐसे कार्ड्स के लिए हम कर सकते हैं आप डेक्स ऑफ कार्ड्स, ट्रीज जहाँ पे बहुत सारे होते हैं तो हम उसे बोल सकते हैं आप फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, ऐसे ही आ हर्ड ऑफ काउज, आ डैजल ऑफ जेब्रा, आ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, आ फ्लॉक ऑफ सीप, आ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, आ स्कूल ऑफ फेस, और हम बोल सकते हैं क्रैश ऑफ राइनोसॉरस, अ टावर ऑफ जेब्रास, अ लीप ऑफ लियोपार्ड्स, अ मैम्योर ऑफ एलिफेंट्स। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यही सब मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं आप इसे सेव कर लीजिएगा पिक्चर के स्क्रीनशॉट लेके, जिससे आप इसे पढ़ सके और इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है राइनोसॉरस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, या स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, या काउ के ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो ऐसे आप उस पिक्चर से याद कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेके उसे सेव कर लीजिएगा जैसे कि आपको करना है। तो अब हम आते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फीलिंग्स और आइडियाज, दे आर थिंग्स यू कांट सी, स्मेल, टेस्ट, टच और हियर। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम फील करते हैं, जैसे हम फील करते हैं उन चीज़ों को, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना कि देख सकते हैं, ना कि स्मेल कर सकते हैं, ना कि टेस्ट कर सकते हैं, ना कि टच कर सकते हैं, ना कि सुन सकते हैं। तो वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि ना कि वो हमें दिखाई देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप भी समझ सकते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं ब्रेवरी, हैप्पीनेस, सॉरो, लव, फियर, फ्रीडम, ट्रस्ट, फ्लट, बोर्डम, एक्सेट्रा।
एक्साइटमेंट, करेज, आइडिया, हॉनेस्टी, चाइल्डहुड, लक, फ्रेंडशिप, जॉय। तो ब्रेवरी का यहाँ पे मतलब है हिम्मतता, हैप्पीनेस का मतलब है हाँ खुशी होना किसी चीज़ की, फियर का यहाँ पे मतलब है डरना, है ना, और एक्साइटमेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा किसी का एक्साइटमेंट हो, अच्छा ये होने वाला है, हम ऐसे करेंगे वो करेंगे, ठीक है, तो एक्साइटमेंट। और ट्रस्ट का मतलब होता है मीन्स भरोसा करना किसी के ऊपर, और अनेस्टी चाइल्डहुड तो बचपनापन, लक का मतलब आप सभी को तो पता ही है, जॉय का भी पता है, फ्रेंडशिप का भी पता है। तो ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स हो गए हैं मैंने कि जैसे कि हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नाउन्स वो होते हैं कि जो ग्रुप को नेम दे देते हैं, कि चाहे वो ग्रुप पीपल का हो, चाहे वो एनिमल का हो, या चाहे वो किसी थिंग का हो। तो पीपल की ग्रुप में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, पीपल के ग्रुप में हमारे आ जाएंगे क्राउड ऑफ पीपल, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, तो ये सारे हमारे पीपल में आ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो हो फ्रेंड्स आपको कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में अच्छे से आ गए तो गिव अ लाइक एंड और मुझे आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं कमेंट खोलूँगी। और अगर आपको और कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स पता है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा मुझे। तो लास्ट में मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज दूंगी लास्ट में, जो लास्ट में डालती हूँ जब मैं, तो एक्सरसाइज वहाँ पे दूंगी, और वहाँ पे मैं सब्सक्राइब हियर का भी डाल दी, तो आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं, और प्लीज़ अगर आपको पुराने हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा जल्दी से, और मेरी पिछली नाउन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक शेयर है, और उस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप क्योंकि ना बहुत से लोग नाउन्स में कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बाय बाय। Long flight stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, oh. And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now.